नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आप सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो की। कल वीडियो नहीं आ पाया, कल ऐसी व्यस्तता रही अत्यधिक दोस्तों, इस चक्कर में वीडियो कॉल अपडेट नहीं आप सभी किसान भाइयों को मिल पाई, उसके लिए मेरे को सबसे पहले करो क्षमा। अब हम शुरुआत करेंगे दोस्तों मंडी भाव की। उससे पहले बता देता हूँ कि बारिश का कोई पता ही नहीं चला कैसे आ गई। दोस्तों, हमारे यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश होगी, पंजाब में छब्बे वाले एरिया, जो होशियारपुर में जो छब्बे वाले एरिया है दोस्तों, वहां पे ही बारिश होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वहां पे दोस्तों दो चार दिन के लिए खुदाई जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि बारिश हुई है वहां पे। ऊना में भी बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। और सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आप लोगों को लगे कि हाँ वीडियो में जानकारी अच्छी है तो आप जरूर शेयर किया। तो दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मथुरा में, खंदौली में, राया में, सभी जगह बारिश हुई है। खंदौली कहीं हल्की हुई है, ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई, ऐसी बारिश नहीं हुई कि खेत भर जाए, पर दोस्तों हल्की हल्की बारिश हुई है। जो पॉल्यूशन दिखाई दे रहा था वातावरण में वो कम हो गया है, और धुंध धुंध नहीं दिखाई दे रही, साफ सुथरा सा मौसम हो गया है। बादल अभी भी भयंकर रूप से छाए हुए हैं। और दूसरा, मैं आप सभी किसान भाइयों को दोस्तों बता देता हूं कि अब बहुत से चीजें ऐसी हैं, अब जैसे नया आलू है, नए आलू की खुदाई चल रही है। ऊना की बात करें दोस्तों तो कैसी पैदावार निकल रही है, सबसे महत्वपूर्ण आज की वीडियो में ये है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो जो अब तक ऊना में खुदाई हुई है उसमें आलू निकला है 60 से 70 बैग प्रति एकड़, मतलब 70 बैग मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा डिवाइडेड बाई 5, मतलब 14 कट्टे एक बीघे में, 6-7 कट्टे तो बीज ही डाल देता है किसान। खिंच के किसी का 80 का निकला है तो बहुत बड़ी बात है। मैंने अपडेट एकदम प्रॉपर लिया, ऊना में इस समय दोस्तों यही जो खुदाई हो रही है उसमें यही पैदावार है। अब आप मुझे ये बताओ, उसके बाद रेट भी नहीं मिल रहे किसानों को, या तो रेट भरपूर मिल रहे होते नए आलू में, रेट भी भरपूर आलू में, नए आलू में नहीं मिल रहे, ठीक है। और दोस्तों, रेट एक ना मिलने का सबसे बड़ा कारण एक और है कि आलू की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, नए आलू की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि ऊना में इस बात को कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इस बार मक्का बहुत ज्यादा लगी थी, और मक्के के बाजरा के गर्मियों वाला अगर ज्यादा मक्के या बाजरा खेतों में होता है और उसके बाद बारिश कम होती है, सड़ नहीं पाते उसके अवशेष, तो वो सबसे ज्यादा क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चटकना, खुजली सी खाज आलू के ऊपर, ये सब चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं आलू के रेट को, ठीक है। और जब जब लोगों को पुराना आलू मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो नए आलू से लोग परहेज करेंगे। ये नहीं सोचा जाए कि नया आलू मंडी में आ गया तो हर किसान नए आलू की खाने की कोशिश करेगा, तो नए आलू में हर कंज्यूमर जो खाने वाला है आलू का, और वो क्वालिटी भी लोग देखेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नया आलू है तो इसका मतलब चटका हुआ और खराब आलू को कोई खा लेगा, ठीक है। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देता हूँ कि ऊना में पैदावार अगर इस कदर निकल रही है, किसानों को बहुत ज्यादा दोस्तों नुकसान हो रहा है और रेट बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब हम बात करें दोस्तों बारिश की, तो होशियारपुर में ही बारिश हुई है, जालंधर में ही बारिश बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो टांडा एरिया है दोस्तों होशियारपुर का, वहां पे बारिश मतलब जो वहां पे ज्यादातर जो बुवाई हुई थी वो हुई थी बारिश से पहले, जो पिछली टाइम पे बारिश हुई थी ना होशियारपुर में, उससे पहले वहां बुवाई हो गई थी दोस्तों। वो आलू की खुदाई होगी लगभग 15 तारीख के बाद चालू होगी, और 15 से 20 तारीख तक एकदम पीक में खुदाई चलेगी वहां पे, 21 तारीख तक फिर गैप आ जाएगा, फिर बारिश के बाद वाला एरिया बाद में शुरू होगा। वो आलू की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलेगी, वैसा मेरे को बताया वहां के एक फार्मर ने। और जो टांडे वाला एरिया है दोस्तों, जो होशियारपुर वाला, वहां भी पैदावार प्रभावित होगी और क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नहीं निकलने की उम्मीद है, ये बताया जा रहा है। अब हम क्योंकि वो आलू बारिश से पहले बुवाई का था, जो होशियारपुर में बारिश हुई थी तेज, उससे पहले की बुवाई वाला था, ठीक है। और दोस्तों, छब्बे वाले एरिया में होशियारपुर में बारिश हुई है, और वहां पे दोस्तों बारिश ऐसी हुई है कि अभी खुदाई एक दो दिन वहां पे हल्की रहेगी, तो हो सकता है कि दिल्ली आजादपुर की या लोकल पंजाब की मंडियों में आलू कम हो। बात करें दोस्तों ऊना हिमाचल प्रदेश के आलू की, तो ऊना हिमाचल प्रदेश का आलू इतना ज्यादा इस समय, जबकि पीक टाइम में खुदाई का प्रेशर इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि एक तो उसकी पैदावार कम निकल रही है, दूसरा जो हिली एरिया है जहां पे ऊपर जाके, जैसे हिमाचल में जो ऊपर है जो हिल पे जो आलू होता था, जो आलू दोस्तों उत्तराखंड के हिल पे होता था, जैसे देहरादून वगैरह उस साइड भी आलू दोस्तों हो जाता है, ऊपर की तरफ कर लेते हैं लोग, जो ठंडा एरिया है वहां पर, वो आलू दोस्तों बारिश हुई थी इस बार बेमौसम पहाड़ों पे, इस वजह से वो आलू लग नहीं पाया था। इस वजह से दोस्तों आलू की ऊना और जो हिमाचल वाला जो आलू है, हिमाचल प्रदेश वाला जो ऊना जिसको बोलते हैं, वो आलू ऊपर ज्यादा अच्छी पहाड़ों पर आलू की भी बहुत अच्छी डिमांड है, इसलिए वो लोकल जो मैदानी इलाकों वाली मंडियां हैं उनमें ज्यादा इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना पा रहा, और दूसरा पैदावार भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कोल्ड स्टोर के आलू के बारे में, तो इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। उम्मीद ही है दोस्तों निकासी हो गई अच्छी। आज कानपुर मंडी की बात करें दोस्तों, कानपुर मंडी में
उम्मीद ये थी कि इतना ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी कि किर्री नहीं बिकेगी, गुल्ला नहीं बिकेगा, पर आज भी दोस्तों मोर्चा लिए हुए है कानपुर मंडी या जयपुर मंडी, जो भी मंडी है। अब दोस्तों जो घबराहट वाला पल था वो निकल चुका है। अब आप आलू के आने वाला समय में जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ आलू के रेट में सुधार हो, ठीक है। अब कितना होता है वो देखने लायक होगा। बात करें दोस्तों रेट की तो मंडियों के भाव की बात करेंगे, अपडेट करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हुगली की, कर्नाटक की बात करें, आज नई मंडी की मैं भाव बता दूं क्योंकि मेरे को भाव मिल गए। एक्स्ट्रा सुपर आलू 15-16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपए किलो। बात करें मुंबई मंडी की तो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू आज बिक गया 14-15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपए किलो। और हल्के दोस्तों 10-11 रुपए किलो बिक रहे हैं, और हल्के 13 से, और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों 12-13-14 रुपए किलो, बहुत बढ़िया, हल्की क्वालिटी के 11-12 रुपए किलो। मंदे में दोस्तों और ज्यादा मंदा फैलाया जाता है लोगों द्वारा, अगर मंदी होती है ना तो कोल्ड पे भी जाओगे तो कहेंगे अरे दीपावली के बाद तो स्थिति ये हो जाएगी कि पूछो मत, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, इस साल क्या है स्थिति बना रखी है कि ज्यादातर स्टोरों में खुद खरीद करा रहे हैं वो अपने, या तो रिश्तेदारों से करा रहे हो या किसी व्यापारी को अपने पैसा देकर तनख्वाह देकर खड़ा कर लिया हो उन्हीं से करा रहे हैं। जोधपुर, जयपुर और कानपुर जैसी मंडियों में ज्यादातर माल कोल्ड स्टोर मालिकों के जा रहे हैं। वो लोग आड़ती ये बताते हैं कि लौट कर ये भी नहीं पूछते कि आलू क्या रेट बेचा, क्योंकि वो ज्यादातर आलू 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए में लिखवा रहे हैं। और दोस्तों वो काय को लौट के पूछेंगे, उन्हें मालूम है कि इसमें नुकसान होना ही नहीं है, तो ये भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय भंडारण का दोबारा आने वाला है, फिर खेतों में भागते फिरोगे फायदा क्या है। बात करें कानपुर की तो 100 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला बिका 225-250 रुपए मन, और मन दोस्तों 40 किलो का होता है। और दोस्तों हल्की क्वालिटी का गुल्ला है 100-150 रुपए मन। एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू बिक रहा है 350-350 रुपए मन, 37-97 वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 250 रुपए का 300 रुपए मन, ठीक है। और हल्का बिक रहा है दोस्तों 200-250 रुपए मन। किर्री बिक रही है 70-80 रुपए मन, और बढ़िया किर्री 100 रुपए मन तक बिक रही है। और चिप्सोना आलू 450-500 रुपए मन कानपुर में, हल्की क्वालिटी का 350-450 रुपए मन। हॉलैंड बिक रहा है 450-500 रुपए मन। यह है दोस्तों स्थिति, बार बार बता रहा हूँ, मन 40 किलो का होता है कानपुर में, 100 गाड़ी की आज आमदनी है। बात करें दोस्तों चेन्नई मंडी की तो चेन्नई में आज 20 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 16-17 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 13-14 रुपए किलो। चेन्नई वाले आड़ती हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको हम वीवीआईपी बोल सके मंडी में। कुछ गाड़ियां तो स्थिति इस कदर आ रही है, उनकी सड़े हुए आलू आ रहे हैं कि 10-12 रुपए किलो बिक रही है। ज्यादातर पैकारी उन आलुओं को सस्ते आलू लेने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीवीआईपी आलू की स्थिति खराब हो रही है मंडी में। तो धीरे धीरे करके जब परोल्टे सीधे आलू सिलटेंगे, जो कोल्ड बंद हो रहे थे, जो किसानों को डराया गया एक साथ निकाल लो आलू, लोगों ने ये नहीं सोची, फिर अपना जिन व्यापारियों ने सोची कि मशीन बंद हो जाएगी जल्दी जल्दी आलू को निकालें। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो एक एक बैरी पे व्यापारियों पे हमारे यहाँ की 4-5 हजार कट्टे बैलेंस लेके चल रहे हैं वो लोग। किसान रोक ले तो तेजी में आ जाएगा, व्यापारी रोक ले तो कोई कोल्ड स्टोर मालिक उनसे कहने नहीं जाएगा, कोई कोल्ड स्टोर मालिक कहने नहीं जाएगा कि आलू निकाल लो। एक चीज मुझे बताओ, अगर 5000 बोरी वाला किसान है तो उसको दिन भर उंगली करी जाएगी, ठीक है ना, कोल्ड स्टोर मालिक द्वारा उनसे कही जाएगी कि तुम जल्दी आलू बेचो, आलू की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, आलू खराब होने वाला है। और दोस्तों किसान अगर व्यापारी पे आलू 5000 कट्टा बैलेंस लेके चल रहा है, अगर व्यापारी कोल्ड स्टोर का, उससे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चक्कर क्या है कि वो 10-20-30 लाख तो पहले ही दावे बैठा है, उससे कहोगे क्या, सही है ना, ये और मजबूरी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। बात करें दोस्तों गुवाहाटी मंडी की, एक्स्ट्रा सुपर आलू 17-17 रुपए किलो बिके, नॉर्थ ईस्ट में तेजी है, हल्की क्वालिटी का आलू 14-15 रुपए किलो। फरुखाबाद की जो रैक पहुंची थी दोस्तों वो 10-11 रुपए किलो बिक रही है, हल्की क्वालिटी के 8-9 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। और फरुखाबाद में से आज फिर शाम को एक रैक लोड हो रही है डिब्रूगढ़, जोराहट और गुवाहाटी के लिए, और आज शाम को ये लोड हो जाएगी, बड़ी गाड़ी लोड होके जा रही है दोस्तों, काफी डिब्बे हैं इसमें। और इन चीजों के बारे में लोगों को अपडेट देना चाहिए, खासकर जो फरुखाबाद के जो है जो वो चीज चलाते हैं, क्योंकि एक दोस्तों रैक में कम से कम कितने ट्रकों का माल चला जाता होगा, कम से कम 52 डिब्बे होते हैं, 52 से चलो मान लो 30-40 डिब्बे की होगी, तो एक डिब्बे में 1000 कट्टा जाता है शायद मेरे ख्याल से, तो अगर 20 डिब्बे या 30 डिब्बे भी गए तो 60 ट्रकों का माल पहुंच गया, तो 60 ट्रकों का माल का मतलब हो गया 30,000 कट्टे हो गए, 30,000 का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कोल्ड में 30,000 बचे तो खाली हो गया। इन चीजों को नहीं बताने वाला है। बात करें जयपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 10-11 रुपए किलो, आज जयपुर में दोस्तों अराइवल घट गई, 60-70 गाड़ी मात्र पहुंची है, बैलेंस मिला के बता रहा हूं मैं आपको। एक्स्ट्रा सुपर आलू 10-11 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 6-7 रुपए किलो। हॉलैंड 14-14 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपए किलो। कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि अराइवल घटती चली जाए, कहां मंडियों में 100-100 गाड़ी खप रही थी और 60-60 ही पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर भाव ऊपर चलते चले जाए। बात करें जोधपुर, कुछ भी हो सकता है आलू का, कुछ भी, ठीक है। बात करें एक्स्ट्रा सुपर
आलू 37-97 10 से 11 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 7 रुपए किलो और हल्का 4 से 5 रुपए किलो, 10 से 12 गाड़ी की आमदनी है। बात करें ऊना की दोस्तों, तो मैंने आपको बता दी पैदावार के बारे में, और लगभग ऊना की एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों के दीपावली के बाद एकदम अच्छी खुदाई शुरू होगी ऊना में, और लगभग लगभग 25 तारीख तक खुदाई होकर समट जाएगा, आलू खत्म हो जाएगा ऊना का, वहां ऐसे ही होती है दोस्तों खुदाई। बात करें मदुरई की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से 21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो। बात करें तिरछी की, तो 19 से लेकर 20 रुपए किलो। अब जिन लोगों को डाउट लग रहा हो, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि कोई गड़बड़ है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जिन लोगों ने आलू अपना बेच लिया है वो अपना शांति से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन पे आलू रखा हुआ है वो, उन लोगों को तो तेजी सुनने की आदत है, अगर भाई जिनके पास रखा हुआ है उन्हें तेजी बताऊंगा तभी तो अच्छी लगेगी मेरी वीडियो उनको। पर दोस्तों अच्छा बड़ा मंडी के हिसाब से चलता है, मैं अपनी मंडी की अपडेट दूंगा आपको, मैं हर चीज मंडी के हिसाब से बताऊंगा। मेरे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मैं रेट तय कर रहा हूँ किसी चीज की। तो धैर्य पूर्वक वीडियो को देखा, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।